मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में किसान कांडाफोड़ के थाना परिसर पहुंचे हैं, जहां खराब हो चुकी फसलों के चलते उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। सोयाबीन की फसल उनकी खराब हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिलाधीश महोदय के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं इस दौरान अगर देखा जाए तो तहसीलदार सतवास प्रियंका चौरसिया को यह ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सर्वे होना चाहिए, फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है। तो वहीं कई क्षेत्र हैं जहां फसलें अब बर्बाद होने की कगार पर हैं। पिछले 8-10 दिनों में सोयाबीन की हरी भरी फसल लहला रही थी, वो एकदम बारिश के बाद तेज धूप पड़ने से पूरे सोयाबीन पीले पड़ गए हैं। जैसे ही बारिश हुई उसके बाद अचानक जाने कौन सा कोरोना जैसी महामारी जैसा प्रकोप सोयाबीन की फसलों में भी आ गया, जिससे सोयाबीन की फसलें एकदम पीली पड़ के और उसके सारे पत्ते सूख गए और फलियां उसकी नीचे गिरने लग गई। उसी एवज में यहाँ पर सभी किसान एकत्रित हुए थे और यहाँ पर माननीय जिलाधीश के महोदय के नाम तहसीलदार सतवास को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे सभी किसानों की यह मांग थी कि यह जो सोयाबीन की फसल और मक्का की फसल तेज बारिश के बाद और गर्मी से ख़राब हो गई है, उसका तुरंत सर्वे कराकर गांव-गांव जाकर सर्वे कराया जाए और जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसकी तुरंत शीघ्र ही राहत राशि किसानों को दी जाए। साथ ही जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार हमसे जो बीमा कंपनी या बैंक है हमसे जो क्लेम काटती है, जो हमारी किस्तें काटती है बीमा की, मतलब फसल बीमा की, उसका तुरंत सर्वे कराकर उसका हमें तुरंत बीमा राशि दी जाए। इसलिए हम सभी किसान यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी सोयाबीन की फसल और मक्का की फसल पानी के कारण और बीच में जो पानी नहीं गिरा है उसके कारण जो बीमारी से फसल बर्बाद हो गई है, इसके संबंध में हमको आर्थिक सहायता राशि दी जाए, बीमा का पैसा तत्काल दिलाया जाए ताकि वो आगामी गेहूँ वगैरह की खेती का काम कर सकें और उनकी जो माली हालत है उसमें सुधार हो सके।